समझना किसी को है ही नहीं। पुलवामा के बारे में बोलिया, केस लगा दिया। गलवान के बारे में बोलिया, केस लगा दिया। जिसके बारे में बोलते गए उसी के ऊपर ये लोग केस लगाते गए। केस लगाने के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। और एक जो हमने इतना बड़ा प्रधान अधिकारी चुन रखा है, क्या कहें उसको, तो वो तो बेचेलाल हमारा बेचने में मस्त है, बेचने में मस्त हो बेचेलाल। उसका तो इसके पास सिर्फ एक ही चीज पूरी है और सब बाकी सब कुछ उसका अधूरा है। पढ़ाई अधूरी, शादी अधूरी, विकास अधूरा, वाता अधूरा, लेकिन फेंकता है शेरूलाल पूरा पूरा, फेंकने में कमी कोई नहीं छोड़ता। अगर आप एक चीज को पकड़ोगे उसकी को, दूसरे और दो केस तैयार मिलते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जब बताया गया था कि गलवान तो एक फिंगर है, पांच फिंगर बेच रखे, तब भी लोगों की समझ में नहीं आया। अब बेचेलाल ने तो रेल बेची, बैंक बेच दिए, लाल किला बेच दिया, इसने किसी चीज को तो छोड़ा नहीं। अब और कुछ नहीं मिला तो ये चल दिया फिर आर्मी की तरफ, उसी आर्मी की तरफ जिसके नाम पर सरकार बनाते या कोई आर्मी वाला बोलता उस पर केस लगाते है ना, उसी आर्मी का बताएंगे। आर्मी की 48 ऑर्डिनेंस सरकारी फैक्ट्रियों को निजी हाथों में सौंप दिया। फिर कुछ भक्तों ने कमेंट किया, कम से कम बेचिया तो नहीं निजी हाथों में सौंपया है। रेलवे को भी बेचिया नहीं निजी हाथों में सौंपया है, लाल किले को बेचिया नहीं निजी हाथों में सौंपया है। ये निजी हाथों में सौंपना नहीं होता, इसको बेचना कहते हैं। और लेकिन ये व्हाट्सएप न्यूज वाले है ना, अगर ये कहेंगे ना आर्मी को बोलना चाहिए, आर्मी बोल देगी हमारे को गोला बारूद चाहिए कहीं से भी आए, लेकिन वो कहीं से भी आए उसको ये देखना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां ना, इनके पास जमीन बहुत ज्यादा है। लास्ट में घूम फिर के ना सवाल वहीं पर आएगा, सवाल आएगा जमीन का। क्यों? क्योंकि इन फैक्ट्रियों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो जमीन चाहिए इनको किसी भी तरीके से चाहिए। उन जमीनों को भी लेगा, किसानों की जमीन को भी लेगा, उसके पास जो सरकारी स्कूल है इन जमीनों पर भी निगाह है, जमीन चाहिए इसको, पूरी जमीन ले लेगा। तुम कहां जाओगे पता है? मंगल ग्रह पे जाकर रहोगे क्या? अगर अभी आवाज नहीं उठाई कहां बना लोगे मकान? है बना लिया होगा तो भगत चिल्ला करते धारा तीन प्लॉट था उसमें लेंगे, कश्मीर में लेंगे। ले लिया, कितनों ने लिया प्लॉट? है किसी के पास कोई जवाब? अब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां है इनको निजीकरण कर दिया जाएगा। इनके पास हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन है, कभी सोचा इसके बारे में? उस जमीन को कोड़ियों के भाव बेचेंगे, ये कोड़ियों के भाव खरीदेंगे, जब बेचेंगे ना तब देखना क्या तमाशा होगा। वही तमाशा होगा जो आज तक तुम्हारे साथ होता आया था। पहले ही बताया था सवाल करना सीख लो, जब तक सवाल नहीं करोगे ना चुपचाप बैठे रहोगे, ऐसे ही पिसते रहोगे, जैसे पिस रहे ना ऐसे पिसते आओगे, फिर बाद में उठाते रहना। जब ये बिल्कुल तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी गर्दन पर पैर रखेंगे ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अभी तुम्हारी समझ में नहीं है, अभी तो क्या सोच रहे हो? कोई नहीं, 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, 84,000 कर्मचारी है, वो अपने आप देखेंगे। लाखों किसानों के बारे में भी यही कहते आए थे, अभी इन 84,000 कर्मचारियों के बारे में भी यही बोलोगे? जब नंबर तुम्हारा आएगा ना तब ये किसान भी यही बोलेंगे, अब तुम बोलो क्या बोलोगे? तब तुम्हारे पास बोलने के पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं बचेगा तुम्हारे पास, ये समझ जाना। या तो अभी से पहले सवाल करने सीख लो, नहीं सवाल करने सीखोगे ना जल्दी ही तुम्हारी गर्दन पर हाथ आने वाला है, बहुत जल्दी तुम्हारी गर्दन पर हाथ आ जाएगा। अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो बैठे रहो चुपचाप, कोई समस्या नहीं किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ना तो गूंगे हैं और ना हमारे जुबान भी है और सवाल भी कर सकते हैं, और हमारे को पता सवाल कैसे किया जाता है? किसी के पास कोई जवाब? जो 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां निजी हाथों में दी है इसका कोई जवाब है? हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो गई है उसका कोई जवाब है? ऐसे ही जो गलवान की जमीन गई थी, कोई एक बार सवाल किया था कि चल अब के ये फौजी नहीं कतार है, अब 48 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का सवाल उठाएंगे, ये कतार है, ऐसा कुछ किया ही नहीं। वीडियो पड़े हैं अब उसको तो मानोगे, सबूत पड़े हैं, कागजी सबूत पड़े हैं उनको तो मानोगे, तुम्हारे को मानना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो अंधभक्ति में चूर हो, अंधभक्ति में ही चूर रहोगे, तुम्हारी कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाता है तो सवाल करने शुरू कर दो, जो भी जुड़ता बाद में देखता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना भाई, ये जरूर कहूंगा मैं। और अगर सवाल नहीं कर सकते कम से कम इस वीडियो को तो शेयर कर सकते हो, लोगों को पता तो लग जाए ये बेचेलाल हर चीज को बेच जाए। बोले ना तो झोला उठा के चल दूंगा, उस झोले में ना ये हर चीज को भर के जाएगा, झोले को खाली लेके नहीं जाएगा। जो ना खाली झोला उठा के चलेगा, जो फकीर जो खाली झोला उठा के चले नहीं चलेगा, बेचेलाल है ये।
हर चीज को बेच के हर चीज की पूरी कीमत वसूल करके तब जाएगा ये। फिर तुम बैठे रहना, नौकरियां नहीं बचेगी, जमीन नहीं बचेगी, क्या करोगे? है कोई रास्ता? कोई रास्ता हो तो बताना जरूर, ताकि हम भी अगलों को बता सकें, भाई ये रास्ता है, अंधभक्तों ने बताया है, ये रास्ता बचा, इस रास्ते पर चलो। अब कोई रास्ता बचा है? और हाँ, चैलेंज उन सबको जो ये बोलते हैं ना कि मोदी का विकल्प बताओ, मोदी का विकल्प अविकल्प बना आज के टाइम पर हर एक किसान बच्चा है, हर एक नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, हर वो नेता इसका विकल्प है। कम से कम सरकारी संपत्तियों को तो नहीं बेच रहे थे, वो सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, उसके बाद नंबर तुम्हारी प्राइवेट संपत्तियों का आएगा। फिर बाद में बचा कुछ कुछ टाइम बचेगा ना, फिर भी अगर इसके अंधभक्त बने रहे तो उनकी गिरणियां जरूर बेचेगा, ये छोड़ेगा किसी भी चीज को नहीं। ये है बेचेलाल, हर चीज को बेच के जाएगा, और झोला जब उठा के जाएगा ना, जब तुम्हारे को कंगाल कर जाएगा, तुम्हारे शरीर पर कपड़ा नहीं बचेगा, खाने के लिए तुम्हारे पास अनाज नहीं बचेगा, तब ये झोला उठा के चलेगा, उससे पहले चलेगा ही नहीं झोला उठा के। अगर इसको मुंह तोड़ जवाब देना ना, जहां भी इलेक्शन होते हैं इनके किसी कैंडिडेट को तो ना खड़ा ना हो पाए, ऐसा हाल कर दो इनका, नहीं तो मारे जाओगे। अगर 2024 में फिर ये आ गया ना, अगर ये उपचुनाव जो हो रहे हैं यूपी में हो रहे, पंजाब में हो रहे, अगर ये आगे तुम्हारे को है ना घर में घुस गए ना, तुम्हारी किडनियां निकाल निकाल के बेचेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये गारंटी इस चीज की। अभी